फ्रेश डेवलपमेंट है कंगना रनौत और बीएमसी केस में। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। कंगना रनौत द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। क्या है पूरी खबर, फ्रेश डेवलपमेंट इन द कंगना रनौत बीएमसी रॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एजेंसी एक खबर निकल कर आ रही है और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स .com के हवाले से मैं आप लोगों को ये खबर दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एजेंसी ANI रनौत हैज़ फाइल्ड अ कैवियट इन द एपेक्स कोर्ट। कैवियट मतलब अ नोटिस स्पेशली इन अ प्रोबेट दैट सर्टन एक्शंस मे नॉट बी टेकन विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु गेव द नोटिस। ये खबर आ रही है, मैं आप लोगों को वो ट्वीट पढ़ाता हूँ ANI की खबर में, बताता हूँ क्या है पूरी खबर। कंगना रनौत फाइल्स कैवियट इन सुप्रीम कोर्ट requesting that no order be passed without hearing her in case BMC challenges relief given to her by Bombay High Court order in property demolition matter। ये खबर आ रही है, last week आप लोगों को पता है Bombay High Court द्वारा demolition को malafide बताया गया था जो कि कंगना रनौत की office का किया गया था। Last week, the Bombay High Court set aside the demolition order passed on September 9th by the BMC and held that the demolition action was actuated by malafide intention. The purpose of using Section 354A of the BMC Act was more sinister and mainly no prevent from taking legal recourse for preventive action. और अब ये खबर आ रही है that the Bombay High Court has directed the BMC to pay Ranaut the value of damages. The trouble between Sena and Kangana started after the actor recently said she feared the Mumbai police more than the movie mafia and likened the Maharashtra capital to POK. तो फिलहाल ये खबर आ रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक कैविट फाइल किया गया है कंगना रनौत द्वारा। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, कंगना रनौत और बीएमसी का रो अभी भी चल रहा है। कंगना ने फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट ऑन द डेमोलिशन ऑफ हर बांद्रा ऑफिस। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कैवियट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कुछ और देर में कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा, फिलहाल के लिए धन्यवाद।